तो दोस्तों फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले, और आज वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो आपको 10 साल आगे फ्यूचर में ले जाएगी। यानी कि इस प्रोडक्ट की चीज़ें ऐसी है जो इसका थॉट है वो आपको फ्यूचर में 10 साल आगे ले जाएगी। यानी कि जो अभी चल रहा है उससे 10 साल आगे की फ्यूचरिस्टिक वे में आप सोच सकते हो और अभी से देख सकते हो कि फ्यूचर में कौन सी और किस टाइप की टेक्नोलॉजी में हम एंटर करने वाले हैं। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, पर आपको एक और बार बता देते हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला साइबर कैब की। यानी कि ये मिनी वर्जन ऑफ साइबर ट्रक है। यानी कि पिछले एक वीडियो हमने बनाया था जो आई थिंक आप सब ने देखा होगा, नहीं देखा तो फटाफट से मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो आप, जो हमने बनाया था टेस्ला साइबर ट्रक के बारे में, तो इसका मिनी वर्जन है। और एलन मस्क कहते हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो उन्होंने अभी 2024 में कुछ दिन पहले ही रिवील्ड कर चुका है। यानी कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है, नो स्टेयरिंग व्हील, नो एक्सीलेटर पैडल, नो ब्रेक पैडल, नो क्लच पैडल, नो गियर बॉक्स और काफ़ी सारी एक्सेट्रा चीज़ें जो नॉर्मल व्हीकल में होती है वो सारी चीज़ें नहीं है। यानी कि आप सब सोच सकते हो कि बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी है, यानी कि सिर्फ इसमें पैसेंजर से बैठ सकते, नो ड्राइवर। तो ये थोड़ी अंदर की बात है, पर ये अभी तक रूमर्स एंड लीक्स है। जो इसका जो सफिशियंट फुल वेरिएंट आएगा और जो इसको आप बाय करना चाहते हो तो वो आपको 2020 तक, यानी कि 2026 तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिर्फ अभी लॉन्च और इसका सिर्फ रिवील्ड हुआ है कि इस टाइप का मॉडल आपको देखने को मिल सकता है। पर आप जो यूके, लंदन और अमेरिका में रहते हो तो आप इसको परचेस करना चाहते हो तो 2026 में इसकी बाई स्टार्ट होने वाली है, और वो भी कितने अंडर 15 लाख, यानी कि 50 लाख के अंदर इसका जो ए मॉडल, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है वो, और जो दूसरा जो प्रोडक्ट है जिसमें स्टेयरिंग व्हील्स और पैडल्स है वो अंडर 45 लाख में आएगी। पर इसके हम बात नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ बात करेंगे नो स्टेयरिंग व्हील और नो पैडल्स के बारे में। यानी कि उसकी कुछ रूमर्स और लीक्स है जो इसको बनाती है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि इसमें नो वायरलेस चार्जिंग, यानी कि वायर और कनेक्शन के बिना आप इसको चार्ज कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाता है कुछ नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि नॉर्मली ईवी व्हीकल्स में क्या होता है, चार्जिंग प्लग और चार्जिंग केबल के द्वारा आप चार्ज कर सकते हो, पर इसमें नो केबल, ओनली वायरलेस चार्जिंग। तो ये थोड़ा सा टास्क जो होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल लोगों के पॉइंट से बाहर जाता है, वो थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। पर इसमें कहा जाता है कि नो ड्राइवर, और इसका पर्पज़ ही यही है कि सिक्योरली और सेफली ड्राइवर जो पैसेंजर्स है उनको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, इसलिए इसका नाम है फुल्ली ऑटोमेट्स पैसेंजर साइबर कैब। पर इसको एलन मस्क बुला रहे हैं टेस्ला साइबर कैब, क्योंकि जैसे कि हमने कुछ महीनों पहले देखा था कि साइबर ट्रक एलन मस्क ने लॉन्च की थी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एलन मस्क टेस्ला कंपनी के CEO है, तो उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था ये जो इसको रिवील्ड कर चुका है। तो आई होप सो कि आप सबको इसमें सफिशियंट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पर ये थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया कुछ ही काफ़ी पर्सनल रीज़न की वजह से, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक तो काफ़ी सारे वीडियोज़ बन चुके होंगे। पर आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, पर अब से आपको कंसिस्टेंटली वीडियोज़ देखने को मिल सकते हैं और न्यू कैटेगरीज में, तो यू नेवर नो के अब क्या आने वाला है, क्योंकि न्यू साल यानी कि नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अपने चैनल पे भी कुछ नया स्टार्ट होना चाहिए, तो इससे स्टार्ट होने वाला है कुछ नया, कुछ अतरंगी और कुछ अपनी चैनल को ग्रोथ और न्यू डायरेक्शन में ले जाएगा, वैसे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे न्यू वाले वीडियो के साथ, टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, लेट्स गो।